तो कल हम लोग जो है ड्राइविंग जहाँ तक हुआ प्रैक्टिस कर लिए थे ड्राइविंग का। आज फिर सेकंड डे जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए निकले हैं, तो आज स्टार्टिंग से ही पायलट सीट पर बैठे हैं सुमित बाबू और मैं को पायलट सीट पर बैठे हैं और यहाँ से चलाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं और चलते हैं फील्ड पे। तो हम लोग फील्ड पे आकर के जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम लोग क्या हुआ कि आरपीएफ ग्राउंड में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि मेरा भी ड्यूटी हो गया है, तो इसीलिए जो है यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज सेकेंड डे है प्रैक्टिस, सेकेंड डे है, बहुत अच्छा 50% सीख गए। हाँ 50% हो गया, गियर चेंज करना ये सब सीख गया और क्या है कि नहीं। बेस्ट टीचर का अवार्ड आपको मिलेगा। अब खाली जो है सिर्फ हाथ की सफाई है थोड़ा सा प्रैक्टिस, तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर वैसा फील्ड है नहीं सुबह टाइम में। और ये क्या है कि मेरा ड्यूटी हो गया है तो इसीलिए जो है अभी समय का थोड़ा टाइम कम है, तो आधा पौने घंटा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे देखा जाएगा। तो सुमित बाबू बहुत पकड़ लिए हैं फिर भी, क्योंकि ये भी ड्यूटी से आए हैं, नाइट ड्यूटी करके आए ना। हाँ। ये भी नाइट ड्यूटी करके आए हैं। तो आज का हम लोग का जो है प्रैक्टिस समाप्त हो गया, क्योंकि टाइम हो गया इसलिए हम निकल रहे हैं अभी फिर से गाड़ी को गैरेज में रखने के लिए, फिर नेक्स्ट डे देखा जाएगा। देखिए ये रेलवे कॉलोनी का, यहाँ पर क्या होता है चलाने में यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे गाड़ी वगैरह चलाते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं, गाड़ी वगैरह आते रहती है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है इसलिए यहाँ पर चलाने में दिक्कत होती है। हम लोग को चाहिए खुला जगह चलाने के। फिर आ गए हम लोग रेलवे कॉलोनी।